ପିଲା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବି ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ ଉପରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଏହା ଥିଲା प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल जोटा कि आमर ए भलिया थिला केस नहीं कि एटा केस थिला मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इन दिस केस इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होतला यू कॉस थीटा वर्टिकल वेलोसिटी को नोतले यू साइन थीटा एक केस रे मैक्सिमम हाइट रो फॉर्मूला कौन थिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी तर टाइम ऑफ एसेंट कौन थिला यू साइन थीटा बाय जी टाइम ऑफ डिसेंट कौन थिला अगेन यू साइन थीटा बाय जी बिकॉज योर टाइम ऑफ एसेंट जहां थिला टाइम ऑफ डिसेंट भी तैयार थिला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कौन थिला टू यू साइन थीटा बाय जी रेंज कौन थिला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी ओके एक केस रिलेटेड एक्सप्रेशन सब ए भलिया थिला एटा कहतला रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जदि केस टा एया हेथांता प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल किए बुझी पार्छ तो सही बॉडी जो बॉडी टाको आम फोर्स देखिए ऊपर को थ्रो करे तार निजस्व कौन पावर न थाए जेकोसी बॉडी को गोटे बॉल हो बा गुड़ी हो बा क्रिकेट बॉल हो बा वी कैन से यार जेवलिन हो शॉटपुट हो जहाँ भी हो जहाँ को आम ऊपर को थ्रो कले से निजस्व पावर न थाए आम फोर्स प्रोवाइड कले सी ऊपर गले एंड गलापर ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्राविटी से मूव कले अदर देन ग्राविटी आ कौन सी फोर्स सेट नथिला ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्राविटी से माने मूव कर प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल दिस इज द केस एंगल टा जे एटा नवा एठी एंगल एठी नउतले एडी एठी नेले एतला मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल जे एटा यू हला तो आज एटा हे जो यू कॉस थीटा एटा हे जो यू साइन उल्टी जो इना हम जान छे थीटा जो कंपोनेंट को लागी थाय सेडा को ने जाय कॉस कंपोनेंट थीटा जाकू लागी कि थाय कॉस कंपोनेंट उल्टी गला तो आप ये यार डेरिवेशन दरकार ना एक केस डेरिवेशन दरकार ना क्या मैक्सिमम क्वेश्चन तारी ऊपर ही आसे एटा जस्ट गोटे मैंने कंपेयर करके स्टडी करे जो थीटा टा हॉरिजॉन्टल सांगे अच्छे या वर्टिकल सांगे रहा कौन हम तेनाली केस
मैक्सिमम हाइट है जीवो एटी होतला u स्क्वायर sin स्क्वायर 3 बाय 2 जी जब u स्क्वायर cos स्क्वायर 3 बाय 2 जी sin जगह रे cos पड़ियो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 जी टाइम ऑफ एसेंट एडी केतला u sin थीटा बाय एडी केते हो u cos थीटा बाय sin जगह रे cos नेक्स्ट टाइम ऑफ डिसेंट डिसेंट एट सर क्या थिला यू साइन थीटा बाय एट क्या था वो यू कॉस थीटा बाय नेक्स्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एट क्या था टू यू साइन थीटा बाय एट क्या था वो टू यू कॉस थीटा बाय नेक्स्ट रेंज एट क्या था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी एटी के तब यू स्क्वायर सेम सेम रेंज विल बी सेम एंगल मेड विथ हॉराइजॉन्टल हो बारंबार कौन सी पिला मैंने मनोक्ति बढ़िया हॉराइजॉन्टल इन दिस केस एक्स एक्सिस वर्टिकल लगना चाहिए वाई एक्सिस दैट्स ऑल एंगल मेड विथ हॉराइजॉन्टल हो कि एंगल मेड विथ वर्टिकल हो रेंज विल बी सेम सब चेंज हम बट रेंज समान हम कहीं गला रेंज समान देख निभाव रेंज टा कौन द मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉराइजॉन्टल स्पीड इनटू टोटल टाइम तो हॉराइजॉन्टल स्पीड टा केते हबो एटी इन दिस केस हॉराइजॉन्टल स्पीड केते u sin थीटा इनटू टोटल टाइम केते 2u cos थीटा बाय जी 2u cos theta by g or we can say here r is equal to u use a u square again 2 sin theta into cos theta is the sin 2 theta 2 sin theta into cos theta kaya jaha 2 cos theta into sin theta kaya eka sin 2 theta by g so both case re range saman ho eta de important short question ase projectile fired making an angle theta with horizontal or he pare making an angle theta with vertical in both the cases what is constant the range will be same okay so the u are constant thibo the range will be same now tapar theta bhi saman hobar ka ede 30 ro ki 40 ro ki na hobani theta bhi saman thiba hala now come लास्ट केस निभाव पिला मैंने जी पढ़ाऊँगी सब फॉर्मूला वाइज मन रखा चेष्टा कर या उपरे रैंडम न्यूमेरिकल करवा प्रत्येक बीट को लेकिन प्रत्येक फॉर्मूला को लेकिन बर्तमान न्यूमेरिकल करवा बट तुम सब फॉर्मूला गुड़ा को रिमाइंड कर आदि न बुझी कांटेक्ट कर फास्ट केस कौन थी मन अच्छे ना फास्ट केस प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड पढ़े खुलते टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ डिसेंट टोटल टाइम रेंज तापर एक केस गला लास्ट केस प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉराइजॉन्टली from a certain height projectile fired horizontally from a certain height very important case this is the case
लेट इट ए क्लिफ, इट्स ए फ्लैट टॉल बिल्डिंग जहां भी वाइपर एक बॉडी अच ऑलरेडी हाइट मेंशन है गला हाइट की बने गला एक केस रे बॉडी टा को एम ते थ्रो करा गला विद द वेलोसिटी यू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मीन दिस बॉडी फायर्ड हॉरिजॉन्टली फायरिंग टा केमते ला बुझी परना हॉरिजॉन्टली पूरा भू समांतर एक्स एक्सिस कौटू ग्राउंड रु है फ्रम ए सटेन हाइट गोटे निर्दिष्ट उच्चतर गोटे बॉडी को थ्रो कराई एंड दैट टू एम टू थ्रो कराई ना अनुसार फिगर बुझी होची प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली दिस इज द हॉरिजॉन्टल भू समांतर कौटू फ्रम ए सटेन हाइट बट एई केस रे बॉडी कौन जीवन सारा एमती जीव मुझे बिल्डिंग पर ठिया है गोटे फायरिंग करमी गुड़ी कौन लाइफ टाइम चलती है सीधा Never. After some time, it will take a parabolic path. No doubt, ये खसी वो. कहें कि ना हमें जो फोर्स प्रोवाइड करी चे, जो तले से कमी वो. तो पता? कमी वो कहें कमी वो? ना एयर और रेजिस्टेंस हो ची. तो एयर मुकुट ना रेजिस्टेंस हो ची. एयर और फ्रिक्शन हो ची. तो समाव ची तको अटकेला. तापरे आस्ते आस्ते ग्राविटी काम करी वो. ग्राविटी सडनली नहीं. ते आस्ते से जो काम कला ए फोर्स और ग्राविटेशनल फोर्स समहाउ रिजल्टेंट एमती है गला केबे एमती हुए नहीं गुली जाउतला आउतला सीधा एमती खसुड़े नेवर एमती केबे हुए नाही हैला ए भाई बुझू गुड ओ लेट दिस पोजीशन बी पी लेट दिस पोजीशन बी क्यू नाउ हाइट तो ऑलरेडी गिवन निर्दिष्ट उच्चतर थ्रो करा हाइट इज ऑलरेडी गिवन एटा कोन कह रेंज कौन रेंज द डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिस इज द रेंज ओके जे कौन सी मोमेंट रे जे कौन एठी आई पर एठी आई पर जे कौन सी मोमेंट रे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वी v is the instantaneous velocity eta v hele eta ko kahiba vx eta ko kahiba vy horizontal component vertical component this is the resultant let this angle be theta okay this is the definition anusar figure hegala projectile hai body ta किसी भी पारे गोटे गुड़ी हो पाए कांड तीर हो पाए सटफुट हो पाए जेवलीन हो पाए जेवलीन तो एमती थ्रो करा जाए जेवलीन तो एमती थ्रो हुए छाड़ दिया गोटे तो पत्थर हो पाए जहाँ भी एमती थ्रो है निर्दिष्ट उच्चतर सीधा थ्रो करा जाए लेट ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली With an initial velocity u from a certain height, from a certain height. मैंने उड़ा बॉडी को प्रोजेक्ट कराया चाहे हॉरिजॉन्टली या तो स्पीड रे u स्पीड रे कोटो ना उड़ा निर्दिष्ट उच्चतर from a certain height. वर्तमान जदि केवल ए स्पीड टा थांदा केवल ए स्पीड ते बॉडी जीवन सारा सेम चालंदा बट हमें कंफर्म हे गेले एटे हॉरिजॉन्टल स्पीड भी अछि वर्टिकल स्पीड भी अछि सेत पे बॉडी रे मोशन एंटे हे यदि प्योरली हॉरिजॉन्टल थांदा बॉडी सब बल सेम चाल थांदा प्योरली वर्टिकल थांदा बॉडी एम दिस स्ट्रेट खसंदा बॉडी एज सीधा जाईनी कि स्ट्रेट खसिनी ए बले आइ छी माने दिस द रिजल्टेंट माने डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अछि वर्टिकल कंपोनेंट भी अछि On resolving u
इंटू इट्स कंपोनेंट वी गेट, मतलब मैं रिजल्व कले यू को भांगिले ता कंपोनेंट को कौन पाइले ना गोटे पाइबे हॉरिजॉन्टल आउट पाइबे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होज इनिशियल वैल्यू इज यू एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन। भलसे बुझ मन कर यार गोटे कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल जहाँ इनिशियल वैल्यू है यू आउ व्हिच इज एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन टोटल मोशन रे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज हबा नहीं काहेकि ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन केवल आम जो फोर्स देले सेटा रेस्ट आउ कोनसी फोर्स काम करू नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिस्टर्ब हबार नहीं। भलसे बुझ एटा जदि रिजल्टेंट वेलोसिटी हुए तो यार हॉरिजॉन्टल भी अच्छी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बहुत समांतर वर्टिकल माने भू लंब हॉरिजॉन्टल भी अच्छे वर्टिकल भी अच्छे से तो बड़ी एमती जदि केवल हॉरिजॉन्टल था बड़ी एमती जाता केवल वर्टिकल था बड़ी स्ट्रेट खसी पड़ता बट जेहेतु बड़ी एमती आ नो डाउट ये हॉरिजॉन्टल भी अच्छे वर्टिकल तो सी कहला ये जो यहाँ को रिजल्टेंट बोली धरवा यहाँ को यार गोटे कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनिशियल वैल्यूटा के लिए यू एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन जोटा कि टोटल मोशन रे कांस्टेंट चेंज हम ना। सेकेंड राउंड कंपोनेंट वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी होज इनिशियल वैल्यू इज जीरो जीरो एंड इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन। देखो इनिशियली बाट संभाव एक बाट बड़ी पूरा एमती जाए स्ट्रेट तापर जा बैंड तो इनिशियली जो बड़ी स्ट्रेट एम जाटा को हॉरिजॉन्टल कहवा ना वर्टिकल कहवा प्योरली हॉरिजॉन्टल नो वर्टिकल जदि बॉडी रो वर्टिकल मोशन नहीं तो वर्टिकल वेलोसिटी भी नथिबो तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी केते हला जीरो लिखा गला वर्टिकल वेलोसिटी हज इनिशियल वैल्यू इज जीरो तापर आस्ते आस्ते से आसिला जते ग्राविटी काम कला से बढ़िला एंड इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन टोटल मोशन रे वर्टिकल वेलोसिटी के कांस्टेंट रहइबो नहीं आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी आला बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म ए दिटा कथा तुमको मन रखिवार अछि जदि आज बॉडी रो मोशन एमती हेइछि तो नो डाउट एटी हॉरिजॉन्टल मोशन भी अछि वर्टिकल मोशन भी अच्छी तो मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अच्छी वर्टिकल वेलोसिटी भी अच्छी जोटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहचे तार इनिशियल वैल्यू के जो दिखाईला यू आउे कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट कहीं हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्स काम करू ना जहाँ आम प्रोवाइड करते से नेक्स्ट आ वर्टिकल वेलोसिटी जार इनिशियल वैल्यू के कहली जीरो कौन पाई तुम समस्त फिगर को ना इनिशियली किछि बाट बॉडी जा पूरा सीधा जाइछि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भू समांतर संगे जाइछि पैरेलल है तो वर्टिकल मोशन ही नहीं तो वर्टिकल वेलोसिटी कोड आइबो तो वर्टिकल वेलोसिटी रो इनिशियल वैल्यू होला जीरो एंड इज न्यू नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन चलला अति कथा बुझेला तर बर्तमान देखिबा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी माने एटा बेला क्वेश्चन आसे सो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड
horizontally from a certain height is parabolic or is parabola. प्रमाण करके देखाओ जे एही केस रे एही केस माने निर्दिष्ट उच्चतर जे बॉडी को थ्रो करा जबो ता रास्ता एम के हिता पैराबोलिक हिता प्रमाण करके देखाओ सेटा बर्तन पढिबा जाको हमें कहू छे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ताको सेकंड केस रे भी पढितले देखिबो लख रखिबो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी equation of trajectory hala trajectory se kahi nahi a path of the projectile se projectile rasta ta ko hi trajectory ko hauch hala the path of the projectile is called trajectory okay bartan ei jo rasta ta बारंबार कौन हॉरिजॉन्टल मोशन भी अच्छी वर्टिकल मोशन भी अच्छी तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कौन ना द इक्वेशन कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन is called so the equation connecting horizontal and vertical equation of motion jo equation ta horizontal equation au vertical equation ko connect karuchi taku hi kahuchi equation of trajectory dekho tale first horizontal equation of motion is given by हमें जो पढ़ुले एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल माने एस जगह एक्स पड़ो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के यु यु तर इनिशियल जहा टोटल से यु इनटू टी जेहेतु ऑलरेडी कहाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बाय यूनिफॉर्म जीरो टर्म टा जीरो इक्वेशन को हमें इंप्लीमेंट कले हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बोली एस दर एक्स ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू को यू रहा जेहेतु हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म थिला कांस्टेंट थिला तापाई एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो बुझीगला गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू यूटी it was let this be equation 1 tapar ka ko dhariba bhati vertical equation of motion vertical equation of motion is given by again same formula can add path na path mane kon equation of distance ko nahi kariba S is equal to ut plus half a t square. एटी वर्टिकल बोली S जगह वाई पड़ जीवो. माने पकाओ वर्टिकल वेलोसिटी रो इनिशियल वैल्यू जीरो कोई थिली. वर्टिकल वेलोसिटी रो इनिशियल वैल्यू जीरो. तो U है गला जीरो. सल्ला कथा. ए टर्म तो जीरो है गला. रही वो के हाफ A जगह पड़ी वो G t square. बुझेला? इक्वेशन टू बर्तन मत यही इक्वेशन को कनेक्ट कंबाइन नुहे कौन कर कनेक्ट मर्ज कर तो फ्रॉम इक्वेशन वन देख किए कमन अच्छी टी टी एटी कमन अच्छी तो ये टी रैल्यू आने की पकई दि कनेक्ट हो गला मर्ज हो गला फ्रॉम इक्वेशन वन
1, your t is equal to x by u. Putting this value in equation 2, we get y is equal to half g t square. T square means x square by u square. ओके एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वर्तमान हम पाखरे एमी टुडे इक्वेशन आसी आई छी जेडे वाई भी अछि एक्स भी अछि वर्टिकल डिस्टेंस भी अछि होराइजनल डिस्टेंस भी अछि त हमें कोन कहबा इट्स अ कनेक्टेड इक्वेशन माने होराइजनल इक्वेशन आ वर्टिकल इक्वेशन कनेक्ट हे जाइ छन और हियर वी कैन से योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर आर पर्टिकुलर मल्टीप्लाई हो बाय जी into y, yes or no? Your x square equal to this into this. इडा ऊपर का एप्पर का सिले multiply by g into y को आए गला. U तो दी constant है गला. तो ने two constant, u constant, g constant. All can be replaced by a single constant. ने लेखी परी बाय को. व x square is equal to k y. हायर. K टाइम में कहाँ जाकर नहीं चे? 2u square by g. 8. 8 is the equation of trajectory. This is equation of trajectory. Hence, the path of the projectile is a parabolic. And we will say, जे ए प्रोजेक्टाइल रास्ता कौन हो ना पाराबोलिक रास्ता क्लियर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसे जे इफ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली थ्रू ए सर्टेन हाइट देन सो दैट इट्स पाथ विल बी पाराबोलिक देन देखाओ कि तार रास्ता दा पाराबोलिक हो तो मैं जोटा मु आरंभ करली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेट ने यानी कि प्रति बंद थ्वे दो जने पढ़ने y इज इक्वल टू mx + c जेंदे हम पढ़ी चे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जदि न पढ़ी चे पढ़ीवा मैथ्रे मत लागु चे हाई स्कूल ले पढ़ी थिबो एटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक से देला इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओके बस ओके तो एटा एया थिला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ट्रैजेक्टरी माने के ना पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल जो रास्ता देके आसी वर्तमान देखियो गोटे केस पढ़ीवा एटा मैक्सिमम हाइट खुलिवार रहबो की ऑलरेडी तो हाइट गिवन जे गोटे बिल्डिंग रु जाकि चिला मारु ताको जणा नै ना केते ऊंचा से गणी वाला केते ऊंचा को चढ़ जिवु ताके गणी देई थियो तापर चिला मारु हाइट इज गिवन टाइम ऑफ एसेंट बाहरी हो की ना बढ़िया जे उलोच एसेंट बाहरी बनी डिसेंट तो डायरेक्टली बाहर करिया टाइम ऑफ डिसेंट और ताको हाउची टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ डिसेंट जहा जे टाइम ऑफ फ्लाइट से के ना बड़ी तो चढ़ीवार नहीं केवल उलाइवार अछि टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट एडा को हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल उलाइवा चढ़ीवा ए सब कहा को ने जाय वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को ने तो जो सब वैल्यू यूज करवा तो वर्टिकल वैल्यू यूज करवा इट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बॉडी टा सी ग्राउंड टच करते कत समय लागो सेटा टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो जेहेतु वर्टिकल इक्वेशन टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कथा
हॉरिजॉन्टल कथा नुह चढ़ा आउ लेवा ये सब वर्टिकल कथा तो ये आम वर्टिकल डाटा नवा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी केते यू हाइट है एच बड़ी तल को आसब जी टाइम नहीं चेटी कौन कौन डाटा देख हाइट टा है एच मान डिस्टेंस को बुझेगा यूएस ए टी कौटा पड़ो सेकेंड इक्वेशन मोशन नुह कि एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मन अच्छे ना भूल गलि ए जो यूज करते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस ए तीन टा तो मैं यूज करते ना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन एटी डाटा अनुसार यू अच्छे एस अच्छे ए अच्छे टी अच्छे यू एस ए टी सेकंड इक्वेशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट योर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एस जगह के पड़ो एच यू है इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आई यूटा पर जीरो कहु पूरा वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मैंने यू है जीरो जीरो प्लस हाफ ए जगार जी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टीटा को ए जो टीटा एटा कैपिटल टी आम नहीं और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच बाय जी और t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू एच बाय जी t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू एच बाय जी बॉडी टा खसुची ऊपर ए केस रे ता मास ऊपर डिपेंड करू नाही छोट बॉडी हो कि मोटा बॉडी हो कि पतला बॉडी हो मास ऊपर डिपेंड करू नाही डिपेंड करू छ हाइट ऊपर का ऊपर हाइट तापर देखिए रेंज एम जे आसला ए टू एति के कवर कला रेंज से देखा ये टाइम डिसेंट ओके देख रेंज रेंज एटा कौन ना इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माने हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम माने टाइम ऑफ डिसेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड टा के यू थ्रूआउट द मोशन ये कॉन्स्टेंट यू इनटू टी और टीटा के लगे टू एच बाय जी एटा ला रेंज रो फॉर्मूला ओके
तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट पाए कितने रूट ऑफ टू एच बाई जी, रेंज पाए कितने ना यू इंटू रूट ऑफ टू एच बाई जी, ये आप किसी न्यूमेरिकल कर तो क्वेश्चन अच्छे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ हाइट ऑफ 1960 मीटर द वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर ए बैग कंटेनिंग रेशन इज टू बी ड्रॉप्ड टू जवान ऑन द ग्राउंड How far from there should the bag to release so that it falls directly over them so that it falls directly over them. कुछ ना बुझे ला तो उड़ा जहाज जाऊँ जी जाऊँ जी मिलिट्री जवान माने ठिया है जन कितने हाइट रे जाऊँ उड़ा जहाज हाइट कितना हो जी An aeroplane is flying horizontally at a height of 1960 meter. It is 1960 meter. Uchchata. Pakha pakhi 2000 kilometer. With the velocity of. Kete speed re jauchi? 720 kilometer per hour. Ehi aeroplane rukute bag pakhe varachi. Bag containing ration. Khadiya pada tachse bag. Ta pakhe varachi. Jodi aeroplane ta. Thikai sikhi 80 pakhe va. ठीक मिलिट्री जो मैंने अच्छे जवान मैंने जो आम सैन्य बाहन जी अच्छा तारी उपरे पहुंची थोड़ा सैड जो बैगटा पकेब बैगटा न पड़ी जाए दूर से पड़ो तो सी नो डाउट टी पचर पकेब पकड़े बैगटा अटोमेटिक जाए पड़ो ये जो बैगटा छाड़ बैगटा अटोमेटिक जाए पड़ो क्वेश्चन पचार हाउ फार फ्रम दे आर मानते दूर रूटा मागिचे पाखर के दूर रू बैगटा खसिले बैगटा देखिए डायरेक्टली सैन्य बाहन पड़ो कौन मागिला क्वेश्चन कौन मागिला रेंज गुड वेरी गुड गुड बॉय कौन मागिला रेंज मागिला आस्टा तो यही केस बुझी पार्छे प्रोजेक्टली फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट तो मागिला रेंज तो ये एच है गला 1960 मीटर यू स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर को तुम मीटर पर सेकेंड कर 720 इंटू पांच बाय अठर अठर चौ बास्तरी चालीस पंचा दिश मीटर पर सेकेंड ठीक है तो अठर चौ बास्तरी चार पंचा कोड़े दिश मीटर पर सेकेंड तो मागिला रेंज कौन हम यु इंटू रूट ओवर ऑफ टू एच बाय जी कुछ ना बुझी पड़ना रेंज मागिची बोली हाउ फार फ्रॉम द एयर शुड द बैग टू रिलीज so that it falls directly over them
माने से सैन्य बाहन पाखु के दूर से बैग टा पकेले बैग जाकि डायरेक्टली पड़ो तो ये आम कर यू जगह पकेबा दीस रूट ऑफ अफ टू एच बाय जी टू कु टू रहिला एच हला 1960 जी हला 9.8 हला एतिक हला कथा 9.8 को जदि मु सॉरी थाउर आ गोटे स्टेप कर दीस को दीस रख एटा है जीवो 2 × 1900 / 98 क्या बाय 10 टा उपरको जीवो ये काटिले के हम कि उठानबे दुने 196 दीश दीश इंटु दुई 400 रुट ओवर के 20 दु दुने 4000 मीटर और 4 किलोमीटर बुझेगा दिश देखे और किलोमीटर जदि से जवान मान पाखर सैन्य बाहन चार यही रास्त 4 किलोमीटर दूर थिला बेले जदि पकेबो तो डायरेक्टली जाके तांका ऊपर पड़ो नहले आगे हिजो न पछे हिजो बुझियाला तो पिला माने एटा नेक्स्ट क्लास रे कैरी करिवा आ बे कंटिन्यू करिवा तमे भल से देख प्राय तो सब केस सरी आसलेनी डाउट के दीटा बीट अछि तला पर टोटल सरी जीवो बर्त तम जति की सारा जाई छि से सब फार्मूला तमे रिमाइंड करिके आसो आ फार्मूला बेस्ट सब प्रॉब्लम हम करी करी एना तीन चार क्लास खाली प्रॉब्लम करिवा ओके बाय।